एनर्जी, वॉइस में क्या होनी चाहिए? आप अपने एक जोन ढूंढ लो वॉइस में, या तो आप एनर्जेटिक बोलो, या आप इमोशनल बोलो, ठीक है, या आप इंस्पिरेशनल बोलो, या आप मोटिवेशनल बोलो, लेकिन एक स्टाइल होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल कैजुअल, ठंडा नहीं बोलना है। ओके, आप मेरे साथ रिपीट करना, रेडी? ऐसे, ये ऐसे करो, देखो थोड़ा सा मोटिवेशनल करते हैं, देखो वॉइस से मजा आएगा। कब आएगा वो दिन? ऐसे बोलो, कब आएगा वो दिन? जब आपकी जेब में होंगे ढेर सारे पैसे। कब आएगा वो दिन? जब प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके पीछे पीछे भागेगी और बोलेगी, एक इंटरव्यू प्लीज। कब आएगा वो दिन? जब अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, चिन्नी लल्लू पप्पी सभी को आई, हाँ, आपको रास्ते में रोकेंगे। ऐसे, ऐसे करो, आपको रास्ते में रोकेंगे और प्यार से कहेंगे, एक सेल्फी प्लीज। ये तो हो गया मोटिवेशनल तरीका, ये आपको अपनी आदत में डालना है। कम से कम भीड़ के सामने बहुत कैजुअल नहीं आना है। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन बोलते समय एक चीज जो है, लोग अक्सर उस पर ध्यान नहीं देते, और वो होता है सही जगह पर रुकना। सही जगह पर पॉज। हम लोग वॉइस आर्टिस्ट हैं, मेरी आवाज़ें डब होती हैं, मैं एड्स में आवाज़ें देता हूँ, मैं मोटिवेशन स्पीकिंग करता हूँ, अपनी तो चीज़ें मैं बना ही रहा हूँ। अब जब उस वीडियोस को देखेंगे आप, तो देखेंगे कि अब मैं सही जगह पर रुकने की कोशिश करता हूँ। अब यानी मतलब कोशिश, जब आप पॉज देते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में स्टेज पर, रुकने का मतलब है कि लोगों को मौका मिल रहा है आपकी बात को समझने का। यहाँ पर एक मिस्ट्री भी क्रिएट होती है कि अब मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ, तो लोगों का जो पूरा ध्यान है, अटेंशन, वो किसकी तरफ हो जाएगा? आपकी तरफ हो जाएगा। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स में ये कहा जाता है कि पॉज एट राइट प्लेस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब मैंने कैसे बोला? बोलो, वेरी वेरी वेरी। रुक गया, अब वेरी हो गया ना, मिस्ट्री आ गई ना यहाँ पे। फिर मैंने क्या किया? इंपॉर्टेंट। ओके, तो वॉइस और पॉज, अपनी आवाज को बार बार रिकॉर्ड करो, उसको सुनो। अगर सुनने के बाद आपको अपनी आवाज अच्छी लगती है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर वॉइस की एक स्टाइल होती है। क्या होती है? जब मैं लोगों को बोलना सिखाता हूं, तो मैं पहले ये बोलता हूं आपको किस वॉइस में जाना है। ओके, पब्लिक स्पीकिंग में लोगों को आजकल पता नहीं क्या हो गया है, हर कोई माइक लेके जो है पब्लिक स्पीकिंग सिखा रहा है, और गारंटीड की बात है कि उसने कभी कोई स्टेज पे कभी वो बोला नहीं है, कभी 100, 200, 500, 1000 लोगों के सामने बोला नहीं है, ठीक है, कभी वो टीवी चैनल्स के कैमरे के सामने बोला नहीं है, कभी वो रेडियो जॉकी के स्टूडियो में गया नहीं है। भाई आप सीखो, आप सीखो, आप सीखो, ऐसा नहीं होता। पब्लिक स्पीकिंग के भी कई सेक्टर होते हैं। मान लो अगर आप WWE के एंकर हैं, क्या आप वो कैसे बोलते हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, इधर आओ, कम इधर आओ, ये Ladies and gentlemen, you welcome in WWE. थोड़ा शोर मचाओ, WWE. On my right hand. ऐसे बोलते हैं ना वो, बैठ जाओ। लेकिन अगर यही पब्लिक स्पीकर एक मोटिवेशन स्पीकर में आ गया, किसमें आ गया? मुझे याद है एक ZTV में एक महिला आती थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो, और उनको देख देख कर मेरे अंदर जो है ना इसकी प्रेरणा जागी। ये बातें सन 2002 के आसपास की, वो आती थी इस तरीके से, और वो प्रीचर थी एक आदित्य, इस तरीके से थोड़ा चला उन्होंने, ठीक है। लेट मी टेल यू वन थिंग, द गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग, योर सेंस, योर गुड डीड्स, योर वर्च्यूज, एंड इन द अकाउंट ऑफ गॉड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी मेंशन्ड, एंड देन द रिजल्ट विल बी इन योर हैंड आफ्टर योर डेथ, अंडरस्टैंड? अब उनका तरीका ये था। ओके, वही अगर आप सुबह सुबह अपने धार्मिक चैनल खोल लो, तो एक बार गीता के पैच, तो एक बार भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किस बात की चिंता करता है, क्यों डरता है, क्यों व्यर्थ की चिंता करता है, बस तू कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। आवाज़ को क्या कर लिया? स्लो। अब जब हम रेडियो में काम करते थे, ठीक है, तो आप सुन रहे हैं, इस तरीके से हमारी बातचीत हो जाती थी, ठीक है, और मेरे प्रोग्राम का नाम था सुबह की चाय। क्या था?
सुबह की चाय। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने, आपका प्यारा दोस्त होस्ट आज के एफ एम के प्रोग्राम में जिसका नाम है सुबह की चाय। मैं अपने स्टूडियो में बैठ के सुबह सुबह की चाय की चुस्की ले रहा हूँ, मस्ती मार रहा हूँ, बाहर बारिश हो रही है भीनी भीनी। इससे पहले कि मैं आपसे और बातें करूँ, क्यों ना पहले एक कप चाय के साथ, चाय तो मेरे साथ होगी, गाना आपके साथ हो जाए, रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जायमन। बाद में पूछूंगा कि ये गाना आपके अंदर किस किस्म की आग लगाता है। यहाँ चेंज हो गया, ओके। तो हर चीज़ के लिए क्या है, एक चेंज है। अगर आप ऐसे बॉस के साथ जब पोडियम पे आप आते हैं तो बहुत सिंपल सॉबर बोलना होता है, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई सेड हेलो, गुड मॉर्निंग, दैट्स नाइस। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हाई आई एम हियर टुडे, द रीज़न इज बहुत स्लो सिंपल सॉबर बोलना शुरू कर दिया, ओके। तो हर चीज़ की एक वॉइस है, हर चीज़ की एक स्टाइल है, लेकिन हर जगह आपको रुकना भी है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात आती है, आज मैं करवा के देखूंगा यहाँ पर, मान लो अगर सबसे ज्यादा हमें क्या मौका मिलता है किसी को अनाउंस करने का, क्या करने का, एक होस्ट होता है और एक गेस्ट होता है, फाइन। तो वॉइस को समझने के लिए एक चीज का ध्यान रखना, ये बहुत ध्यान से वीडियो बार बार दिखाना, फैस इनको बार बार दिखाना। हम दुनिया में सभी चीज पे ध्यान देते हैं, घर पे, गाड़ी पे, कपड़ों पे, बालों पे, बच्चों पे, ठीक है, चेहरे पे, आईज पे, अपनी आवाज़ पे कभी ध्यान नहीं देते। आप ये जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि आपकी वॉइस अच्छी है भी कि नहीं, और आप बोले चले जाते हैं। और यकीनन जब आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अरे यार अभी तो बड़ा इम्प्रूव करना है। वॉइस में कई सारी चीज़ें होती हैं। नंबर पहली, पिच। क्या होता है पिच? पिच मतलब कि आपकी बोलने की रेंज कहाँ तक जाती है, डैट इज़ कॉल्ड पिच, ओके। दूसरी होती है टोन। क्या होती है टोन? में भी दो चीज़ें होती हैं। टोन में एक आपकी पर्सनैलिटी निकल के आती है, यार बड़ा गुस्से वाली टोन में बात कर रहा था, ये गुस्से वाली, बड़ा इमोशनल टोन में बात कर रहा था, इमोशनल, उसकी तो हरियाणवी टोन है। यानी जगह के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, भावनाओं के हिसाब से अगर आपकी आवाज़ बदलती है वो चीज़ क्या होती है, टोन होती है, ओके। तीसरा होता है आपका मैनरिज्म। क्या होता है? ये भी आपकी आवाज़ बदलता है। अब कबाड़ी वाला है वो कैसे आवाज लगाता है बोलो, कहाँ अभी तो सिखाया ना फिल्म हिट है, बोलो ना, कहते कहते बोलो, आपकी वाइफ गुस्से में तो क्या टोन निकल के आती है मैनरिज्म में उनके, कितनी बार खाना बनाओ तुम्हारे लिए, कितनी बार तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, जो भी है बदल गई टोन, वॉइस बदल गई, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। चौथी चीज होती है वॉइस मॉड्यूलेशन। क्या होता है? इन सब को मिला के जो निकल के आता है कैरेक्टर के हिसाब से, किसके हिसाब से, हिसाब से। अभी मैं जैसे डब कर रहा था मैं कार्टून के लिए, तो डब, अब डबिंग में होता है यहाँ पे, अब मेरे को हंसना था ऐसे मैं हूँ खूनी दानव, मुझे अच्छे लगते हैं बच्चे और मानव चेंज कर दिया मैंने वहां पर, ओके। तो ये आप ना समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से भी आपकी वॉइस चेंज हो जाती है। आपका बॉस सामने आ गया, आप बड़े प्लीजिंग वॉइस में, गुड मॉर्निंग सर, कोई नेता आ गया, राम राम जी, सर जी कैसे हैं, वॉइस चेंज, टोन चेंज, मैनरिज्म चेंज, सब कुछ चेंज। जहां आप बड़े हो, हाँ यस गुड मॉर्निंग, ओके राइट, चीख रहे हैं तो, बट आपको एक बैलेंस्ड वॉइस तो निकालनी है अपने प्रोफेशन के हिसाब से। तो इस पे काम करो, वॉइस पे, पिच नंबर टू, टोन नंबर थ्री, वॉइस, नो 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 नो, मैनरिज्म नंबर फोर, कैरेक्टर, किस कैरेक्टर में आप हैं। अगर आप बूढ़े कैरेक्टर में, बॉस से हम कैरेक्टर तो प्ले करते हैं।